इसे बहुत ही टट्टी कलर की तरह रैप करा रखा है वाइट। वैसे तो ये यहाँ की R15 है, पर इसे चूते ने BMW बना रखा है। इसे पता नहीं है कि रैप कराने से बाइक के अंदर वाली पावर नहीं आ जाएगी। जिस दिन मैं बाइक ले लूंगा मैं ऐसी रैप तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा जैसे इसने करा रही है। ऐसे लग रहा है जैसे गाड़ी विधवा हो गई होगी, इसका खत्म भर गया होगा। देख लो साउंड भी कुतिया साउंड लगा रखा है इसमें भयंकर। सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एंड गाइज मैं आज आ रहा हूँ इस खाली रोड पर और मेरे साथ दो नमूने भी आ रखे हैं। एक नमूने वो बैठा है और दूसरा नमूने ये बैठा है। तो गाइज अभी मैं यहाँ पे आ रखा हूँ, देखा अक्कू की तरह होगी मेरी आदत भी आ करने की। चल ठीक है एक सांस में। तो गाइज अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ना R15 वर्जन V4 का रिव्यू। तुमसे ना हो पाएगा। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ R15 वर्जन V4 का रिव्यू करने के लिए और ये रही हमारी बाइक जिसको मॉडिफाई और रैप करा के ना इसको BMW S1000RR का लुक दे रखा है, जो कि ना एकदम एक नंबर माल लग रही है देखने में। ये इस टाइम पे इसको जो इसने मॉडिफाई करा के लुक दे रखा है वो एक सुपर बाइक का लुक दे रखा है। मॉडिफिकेशन कराने के बाद ना ये बननी है यामा S1000RR और जो इसकी मॉडिफिकेशन है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ और इसका आपको मैं डिटेल में रिव्यू देता हूँ, तो एक बार चेक कर लो। ये है अपनी यामा R15 वर्जन V4 S1000। अरे कहना क्या चाहते हो। तो गाइस अभी सूत्रों से पता चला है कि इसमें अभी फुल मॉडिफिकेशन नहीं हो रही है, अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। अभी मुझे करने बताया ये बात। ये जो इसके मिरर है अभी ये चेंज होने हैं और ये इंडिकेटर इसके ये भी चेंज होने वाले हैं और ये जो इसकी क्या बोलते थे टेल लाइट अभी इसकी ये टेल लाइट बैठी है और ये जो वाइजर है इसका ये वाइजर भी चेंज होगा। तो मॉडिफिकेशन से पहले मैं सबसे पहले आपको ना इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले इसकी बात करते हैं टायर की, जो इसका रेयर टायर होता है और जो इसका फ्रंट टायर होता है इन दोनों में ना क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो गाइस सबसे अरे चेहरा दिखाना चाहिए ना मुझे अपना ऐसे। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं, दोनों मुझे ब्लॉग नहीं बना देते। तो गाइस इसका ये जो इसका फ्रंट टायर है और ये जो इसका रेयर टायर है इसमें दोनों में दोनों बोसड़ी वाले टायर। तो गाइस इसके आपको फ्रंट और रेयर टायर में आपको ना ABS देखने को मिलता है विथ डुअल डिस्क, ठीक है बोसड़ी का रीटेक। सो गाइस इसके फ्रंट और रेयर टायर में ना आपको ना दोनों में ABS देखने को मिलता है विथ ना डुअल डिस्क के साथ। पहले ना इसमें ड्रम ब्रेक। तो गाइस पहले ना इसके ना पिछले टायर में ड्रम ब्रेक आते थे जो ना दोनों को चेंज कर दिया है और दोनों में डिस्क लगा दी है। नेक्स्ट तू बता तेरा जल्दी यार बैटरी खत्म हो जाएगी तो जल्दी बता। एंड गाइस अब जो यामा की वर्जन 4 की जो बाइक्स एंड जो क्या बोला था मैं कोपर बैक के मार दूंगा। एंड गाइस अब जो यामा जो भी बाइक्स निकालता है ना बाइक्स की सीरीज निकालता था उसमें ना ट्रैक्शन कंट्रोल दे दिया गया जिसे ना हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए एक स्विच दिया गया है ऑन ऑफ करने के लिए जिससे हम गाड़ी की स्पीड को ना अपने अंदर में कंट्रोल कर सकते हैं, गाड़ी की पावर को मतलब। ठीक है गाइस क्या रहा हूं मैं करण को देख ले कहाँ से आते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एक बटन दिया गया है, ये इन्फो का एक बटन दिया गया है। अभी मैं अभी इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये अभी आप लोगों को यहाँ पे TCS दिख रहा होगा, ये अभी ऑन है। इसका मतलब है कि अभी इस बाइक से अगर हम व्हीली उली मारेंगे तो इस बाइक से अभी व्हीली नहीं पड़ने वाली क्योंकि ये बाइक अभी उतनी पावर जनरेट नहीं करेगी जिससे कि इस बाइक में व्हीली या स्टंट वगैरह हो सके। एंड मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसे हम ऑफ कैसे करेंगे। तो गाइस ये इन्फो का बटन है, अगर हम इसको ना प्रेस करके रखेंगे ना ऐसे करके तो नहीं यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। हुआ नहीं, हो गया। ये देखो गाइस अभी जो TCS है ना ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम याद हो गया, ये यहाँ पे देखो अभी ऑफ हो गया। यहाँ पे लाइट का सैंपल आ गया है और ये यहाँ पे भी लिखा हुआ आ गया कि अभी ऑफ हो चुका है। इसका मतलब ये अब बाइक हमारे अंडर अभी ये बाइक ना बहुत सारी पावर जनरेट कर देगी सर, पावर जनरेट करेगी हाँ और इसमें स्टंट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं और ये अभी गाड़ी भी चला सकता है। बात तो सही है। इसकी स्पेसिफिकेशन इतनी रहने दे भाई, ठीक है बस हवा निकल गई। इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सर से खुद बाहर है, मैं चूती से पूछ रहा हूँ जिसे खुद नहीं पता। मजा आया ना वो कैसा ठीक है अभी क्या बताऊंगा तुझे। तो क्या मैं आपको इसके रैप के बारे में बताता हूँ। इसे बहुत ही टट्टी कलर की तरह रैप करा रखा है वाइट, इसे ने बहुत ही जानदार जबरदस्त सेक्सी लुक बना रखा है। वैसे तो ये यामा की R15 है पर इसे चूते ने BMW बना रखा है, इसे पता नहीं है कि रैप कराने से बाइक के अंदर वाली पावर नहीं आ जाएगी। जिस दिन मैं बाइक ले लूंगा मैं ऐसी रैप तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा जैसे इसने करा रही है। ये रैप है कोई, ऐसे लग रहा है जैसे गाड़ी विधवा हो गई होगी इसका खत्म भर गया होगा बट ये जिंदा है, इसके जीते जी ये मर चुकी है। अभी दिखाता हूँ मैं ना इसको कम से कम समथिंग 4 कलर का यूज किया गया है इसे रैप कराने में, व्हाइट
ब्लू नेवी ब्लू एंड रेड। ठीक है, तो पूरी कोशिश की गई है कि इसको ना एस 1000 आरा बनाया जाए, बट इन्हें पता नहीं है कि अगर इन्हें पता नहीं है कि कौवे को कितनी भी क्रीम लगा लो वो रहेगा काला का काला ही। तो सेम से वो अप्लाई इसके लिए। तो गाइस मैं दिखाता हूँ आपको सबसे पहले इसमें क्या कर रहा है। इसमें ना गाइस ये जो क्या था ये जल्दी बताना, ये वाइजर, साइड फेयरिंग, ये इसका पेट्रोल टैंक, टेल आईडी। इसको ना पहले पूरा वाइट रैप से रैप किया गया है, उसके बाद जो आप ये देख रहे हो ना रेड ब्लू स्काई ब्लू ये बॉर्डर लाइन की गई है, उससे ना इसको भी फिनिशिंग दे रही है जगह जगह पर, ताकि जो इसका लुक है ना, जो इसका लुक है वो पूरा BMW की तरह लगे, बट कोई फायदा नहीं है, इसने BMW लगना ही नहीं है। दिल की तसल्ली के लिए, खुद को मनाने के लिए इसने BMW बना रखी है गाइस। मैं भूल गया, इसको ना पूरा BMW का साउंड देने के लिए ना इसमें इसने ना फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा रखा है, वो भी SC प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो मैं इसका ना साउंड सुना के दिखाता हूँ आपको एक बार गाइस, चेक करना इसका साउंड। सॉरी मजाक नहीं कर रहा यार, कोई बात नहीं, बहुत प्यार से उसने रैप उप कर दिया, बट कोई फायदा नहीं है, ये BMW जैसे बन नहीं सकती। देख लो साउंड भी, कुतिया साउंड लगा रखा है इसमें भयंकर। अच्छी खासी गाड़ी थी ये ब्लैक में, इतनी प्यारी लगती ना, मैं आपको फोटो दिखा दूँ साइड में ना, ये ब्लैक कलर में इतनी प्यारी लगती है, इसने बहन चो विधवा बना दिया बाइक को। माँ बहन एक कर रही है बाइक की भैंस की मुझे यार, तू बताएगा नहीं तो मैं ऐसी बोलूंगा, बताएगा नहीं तो भाई क्लैप भाई। मैं सही बोल रहा हूँ ना। हाँ मैं सॉरी यही बता रहा था कि कोई फायदा नहीं है, इसने ना कम से कम ये रैप कराने में इसने, और बताऊँ सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं तुम्हें, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। ये देखो ये यहाँ से छूट रहा है, ये देखो ये जो लाइन है ना, ये देखो ये बीच में से फट भी गया है जगह जगह से ना, ये देखो ये फिनिशिंग दे रही है ये फिनिशिंग बाइक को। कम से कम इसमें ना 25,000 से 30,000 रुपये का खर्चा आएगा इसे रैप कराने में, इसका एग्जॉस्ट चेंज कराने में, फिनिशिंग भी नहीं आई इसमें ढंग से एक तो। ठीक है, और ऊपर से बताऊँ ये रैप किसने करी है, हमारे जुवेदी ने करी है। कह रहा था भाई बाइक के मामले में ना तो हमारा भाई एक नंबर काम करके देता, ये काम करके देता, ये देखे ना भैंस की, ये काम करके दे रखा है इसने, एंड ये इसमें स्टिकर लगा के देखा, देखो रेस प्रो, रेस की प्रो है भैंस की पूरी। मैं तो कह रहा हूँ अगर साइकिल से भी भागने लग गई तो अभी आ जाएगी ये। कोई फायदा नहीं है इसका, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अच्छी खासी बाइक है ना आपके पास तो उसको ऐसे फर्जी जैसे कलर मत करवाना भाई, उसकी ऐसी माफ है नहीं मत करना। वैसे ये ब्लैक कलर में अच्छी लग रही थी, बट अगर मैं कभी बाइक लूँगा ना तो ऐसी तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं कराने वाला मैं, बिल्कुल नहीं। अभी मैं आपको एक बार इसकी सिनेमैटिक दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा सिनेमैटिक देख। ठीक है, और कोई गाली मत देना। चलो गाइस मैं आपको ना एक बार इसका कुतिया साउंड सुनाता हूँ, कैसे आवाज़ आती है इसकी साउंड नहीं। भाई सुन, आजकल इसको किसी बाइक का रिव्यू करने के लिए मत दियो भाई, तो तेरी गाड़ी का भी होगा, ध्यान दियो। सो गाइस आपको क्षेत्रीय रिव्यू कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, इतना फनी रिव्यू मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा जितना इसने कर दिया इस बाइक का बेचारी का। तो गाइस सिनेमैटिक आपने देख लिए होंगे, सिनेमैटिक में आप पक्का वीडियो बाइक अच्छी लगी होगी, बट ना अच्छी लग रही है बाइक, मजाक नहीं कर रहा, अच्छी लग रही है यार, ये देखो प्यारी लग रही है। वो बात अलग है कि हाँ ये BMW जैसी नहीं लग रही है, बट दिल की तसल्ली के लिए चलती है ना भाई, बट अच्छी लग रही है भाई। 25,000 रुपये लगे ना इसमें, है ना कर 25,000 रुपये लगे, 25,000 लेने वाला बंदा एक आईफोन नहीं ले सकता, दिख रहा है भाई। सही बात है भाई, आईफोन हमें शौक नहीं है आईफोन का, बस चलता है चलाने ही नहीं आता। हाँ। इस वीडियो के लिए इतने ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड हाँ बाकी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और क्या मिलते हैं किसी और क्या बोलते थे क्या करा हमने इसका रिव्यू में किसी और सी मस्त सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।